महापौर पुष्पमित्र भार्गव के निर्देश पर यातायात को सुगम बनाने की दृष्टि से नगर निगम की रिमूवल टीम द्वारा स्टार चौराहे से खजराना दरगाह होते हुए खजराना के मेन रोड पर दुकानों के बाहर लगे हुए शेड तथा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। दरअसल कार्रवाई में बड़ी संख्या में जेसीबी और आधा दर्जन डंपर लेकर नगर निगम का अमला खजराना में पहुंचा था। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में रिमूवल गैंग का अमला भी मौके पर मौजूद रहा। क्षेत्र के कुछ दुकानदारों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना शुरू किए। कार्रवाई के दौरान सड़कों के आसपास तक किए गए कब्जे हटाए गए और दुकानों के बाहर रखा गया सामान भी जब्त किया गया। वहां कई हिस्सों में दुकानों का सामान बड़े पैमाने पर बाहर रखा जाता है, जिसके कारण यातायात व्यवस्था चौपट हो रही थी। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई को लेकर रहवासियों द्वारा नाराजगी भी जाहिर की गई, लेकिन अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाइश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं कुछ रहवासियों ने कार्रवाई को लेकर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। सर, नगर निगम द्वारा आज खजराना क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है, पुलिस की बात की है तो किस तरह की यहाँ पे सुरक्षा है? हम लोग 25 पुलिस अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं। स्टार चौराहे से लेकर कालका माता मंदिर मेन रोड पे अवैध अतिक्रमण है, जो भी वो हटाया जा रहा है। 15 दिन से अनाउंसमेंट नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने स्वेच्छा से हटा ली है अपने टीन सेट वगैरह, और जिन्होंने नहीं हटाया उनको आज हटा रहा है। कितनी ऐसी दुकानें या मकान होंगे जिनके खिलाफ बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? अभी तक तो 40-50 दुकानों के सेट तोड़ दिए गए हैं। कुछ मटेरियल रखे थे ईंट गिट्टी रे, तो उसको भी फैला दिया गया है। कोई विवाद नहीं हुआ, नहीं होगा, सबको समझा दिया गया है, कोई विवाद की स्थिति नहीं। जनता द्वारा साथ दिया जा रहा है अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल, जनता साथ है, जनता ही के लिए कार्रवाई करते हैं। आपका नाम? मैं उमराव सिंह, खजराना थाना प्रभारी। सर, वो एक रात में सर, ये जो है पावर वालों को छोड़ रहा है। कौन से पावर वाले हैं? ये जो सामने बंगले बने हुए हैं, इन लोगों को छोड़ रहा है। और हमारा रोड से 30 फीट अंदर, उसके बाद भी हमारा तोड़ा है। और जो रोड पे है और अवैध गुंटियां लगा रखी बंगले के सामने, उनको छोड़ दिया। ये तरीका गलत है, भेदभाव वाली बात है। आप कर रहे हैं, आप कार्रवाई कर रहे हैं तो सबकी एक साथ करना चाहिए। सबको एक जैसा देखो, आप सबको एक जैसा देखना चाहिए। अब आप ऐसे गुंटी छोड़ जाएंगे, कल फिर 4 गुंटियां लग जाएंगे बंगलों के आगे। कितनी गुंटियां?